हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास पे हम लोग सीखेंगे यहाँ पे एक्सेल एरर चेकिंग ऑप्शन को। ठीक है, यह ऑप्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसलिए वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको एक्सेल एरर चेकिंग के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग इसका उपयोग क्यों कर सकते हैं। ठीक है, आप जब कभी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई फार्मूला या फंक्शन यूज करते होंगे तो कोई ना कोई एरर आपको ज़रूर दिखाता होगा। ठीक है, उस एरर को हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे सही भी कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, सो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताऊँ वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसमें से आप बस देखते जाओ, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पे इसको एरर्स को देखना भी है और एरर को सॉल्व भी करना है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मैंने दो बॉक्स में, यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में लिखा है एरर फर्स्ट एंड एरर सेकेंड। ठीक है, वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बहुत सारे एरर होते हैं। अगर मैं उसके नाम की काउंटिंग करूँ तो आपको बताते हैं एच डिव एरर, एच नम एरर, एच वैल्यू एरर, जितने भी आपके एरर हैं ना वो हैश के साथ यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको नाम लिख के दिखा दूँ तो देख लीजिए आप, यहाँ पे एक होता है एच डिव एरर, ठीक है, जो इस तरीके से आपको दिखता है। एक होता है आपका यहाँ पे एच वैल्यू एरर, जो इस टाइप से दिखता है। दूसरा होता है आपके यहाँ पे हैच एरर्स, ठीक है, ये रेफरेंस को बताता है। ठीक है, इसी तरीके से और कितने सारे एरर आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके का एरर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मिलेंगे, लेकिन उनको कैसे सॉल्व करना है ये भी बता रहे हैं। ठीक है, और इन एरर को पहचानोगे कैसे। ठीक है, तो अभी देखो थोड़ा सा, मैं इधर दो फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया है मैंने, यहाँ पे कुछ नंबर देख सकते हो, वैल्यू टाइप किया था 12, यहाँ पे 3, 5, 5 और इन सारी वैल्यूज को ना मैंने यहाँ पे देख सकते हो कि क्या किया था यहाँ पे। अभी आपको फार्मूला दिखाता हूँ, मैं डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो फार्मूला दिखेगा। कौन सा फार्मूला यूज़ किया था मैंने यहाँ पे, सम नाम का फार्मूला यूज किया था। लेकिन जैसे मैंने एंटर किया तो रिजल्ट आने की बजाय यहाँ पे आपको हैच रेफरेंस करके आपको यहाँ पे क्या किया है, एक एरर दिखा रहा है। तो हैच रेफरेंस का मतलब यही होता है कि जो भी रेफरेंस हमने इसमें से लिया है इनमें से कोई रेफरेंस क्या है, मिसिंग है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे हैच रेफरेंस एरर आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो इसमें कि यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे भी एक वैल्यू है, 1, 2 हो गई वैल्यू। यहाँ पे एरर है हैच रेफरेंस का देख सकते हो, और H7 प्लस यहाँ पे I7 ऑप्शन दे रखा है, यानी कि मैंने इसमें 5 वैल्यू को ऐड किया है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, देखो तो 1, 2, 3 और कितनी है वैल्यू, 4 है। मतलब कि यह वाला जो आपका सेल है ये मिस हो चुका है। इट मीन्स यहाँ से यानी कि इसमें से किसी ने डिलीट कर दिया, जिसके वजह से आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है और इस तरह का एरर आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस एरर को कैसे सॉल्व करना है ये तो मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, केवल अभी एरर ही आपको बता रहा हूँ कि ये एरर है। हैच रेफरेंस एरर तब आता है जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, जिस वैल्यू का कैलकुलेशन कर रखे होते हैं, जिस सेल का कैलकुलेशन कर रखते हैं और उस सेल को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं यानी हटा देते हैं, तो आपको हैच रेफरेंस जो होता है एरर आपको मिल जाता है। अब मैं इसे आपको दूसरे एरर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर लिखा है मैंने सेकेंड एरर, आप देखो। ठीक है, और सेकेंड एरर में मैंने क्या यहाँ पर एरर दिखाया आपको, हैच वैल्यू एरर। अभी देखो, अगर मैं इन सारे नंबर को ऐड करता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ऐड होकर देख सकते हो सम के साथ आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन सपोज दैट कि मैं 12 के साथ यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मैंने WEW, इन दोनों को मैं जोड़ने का यहाँ पे प्रयास किया हूँ, देख सकते हो, तो मुझे एक्सेल ने एक एरर दिया है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे देखो तो हैच वैल्यू एरर। मतलब ये बता रहा है कि वैल्यू जो आप ऐड कर रहे हो ना ये गलत है। मतलब कभी भी आप किसी नंबर को नंबर के साथ जोड़ सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी नंबर को किसी वर्ड के साथ जोड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए कोई दूसरा फार्मूला यूज किया जा सकता है। यहाँ पे जो फार्मूला आपने यूज किया उसका नाम क्या है, सम, और सम किसको ऐड करता है, क्यों, नंबर को ऐड करता है। सो इस प्रकार से यह एक प्रकार का क्या है, एरर है। ठीक है, तो इतनी बात तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसे
यहाँ पे देख सकते हो एरर को। तो अगर आप एरर नहीं समझ पा रहे हो कि ये है क्या चीज़ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एरर को देखना चाहते हो तो आप जो टैब पढ़ते हो ना, ये सारे टैब्स, ठीक है, इनमें एक टैब आपको मिलेगा फार्मूला नाम का यहाँ पे, ठीक है, फार्मूला नाम का टैब मिलेगा। और ठीक आपको फार्मूला में जाएंगे जब आप इधर, तो ऑप्शंस देखो कि यहाँ पे फार्मूला एडिटिंग के अंतर्गत एक ऑप्शन मिलता है आपको एरर चेकिंग का। बस जस्ट इसके अगर ऊपर आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे आपको, तो इसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन ही एरर चेकिंग का। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, आप देखिएगा अभी यहाँ पे ए सेलेक्टेड है, देख सकते हो ये सेल सेलेक्टेड है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वह एरर को सेलेक्ट कर लेगा, ये देखिए क्लिक करते ही। ये देखिए मैंने जैसे ही क्लिक किया तो एक बॉक्स भी यहाँ पे खुल गया एरर चेकिंग का, और आप देख सकते हो कि इसने यानी कि हैच रेफरेंस को सेलेक्ट कर लिया है। इस प्रकार से इसने बताया कि इस सेल में क्या है, एरर है, एरर चेकिंग, देखो बता रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि हैच रेफ क्या है, एरर यहाँ पे है। हेल्प ऑन दिस एरर्स, ठीक है, सो कैलकुलेशन स्टेप, इग्नोर एरर्स, ऑप्शन सब दे रहा है आपको। आप अगला एरर देखना चाहते हो या पिछला देखना है तो प्रीवियस, अगर आगे देखना है तो कहाँ पे जाओगे, नेक्स्ट पे चले जाओगे। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा, आप देखिएगा जंप करके इस वैल्यू वाले पे आएगा, ये देखिएगा क्लिक करते हैं, देखो आ गया कि नहीं, आप पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो दो ही तो एरर है। फिर नेक्स्ट करूँगा तो आगे नहीं बताएगा, द एरर चेक इज कम्प्लीट द इंटायर चेक, ठीक है, यहाँ पे पूरा एरर को इसलिए बता दिया कि दो ही एरर इसके ऊपर है, क्लियर है। अब अगला ऑप्शन क्या है कि अगर आप एरर को यहाँ पे दिखाना चाहते हो, ठीक है, कि कौन से वैल्यू को जोड़ने के बाद ये एरर आपको यहाँ पे आया है, तो देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे कर्सर अगर ऐसे रख लूँ तो एक ऑप्शन इसी में आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप देख रहे हो, इस वाले ऑप्शन पे, इसी में ठीक एक नीचे ऑप्शन लिखा है ट्रेस एरर, तो एरर को ट्रेस करना है तो ट्रेस एरर पे क्लिक कर दोगे तो आप देख सकते हो इसको लाइन से उसने क्या किया, इंडिकेट किया यहाँ पे, ठीक है, इसने क्या किया लाइन से इसको दिखाया, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी और चौथी लाइन, इस तरीके से आप एरर चेकिंग के थ्रू इसमें क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अब वैल्यू एरर आपको जो दिख रहा है, इस वैल्यू एरर को भी सेलेक्ट कर सकते हो और ठीक यहाँ पे आप जाके इसको भी ट्रेस कर सकते हो। तो ट्रेस एरर पे जब क्लिक करोगे आप तो ऑटोमेटिकली एरर के थ्रू क्या करेगा, आपको ये दिखा देगा कि देखो आपने इनमें इस वैल्यू को यानी इस सेल की वैल्यू को और इस सेल के वैल्यू को आपने क्या किया था, ऐड किया था, तो ये दोनों एरर आपको क्या किया इसने यहाँ पे डिस्प्ले किया, ठीक है, एच रेफ एरर एंड एच वैल्यू एरर। अब वैल्यू एरर क्यों आया, क्योंकि 12 के साथ मैंने यहाँ पे किसी वर्ड को जोड़ने का यहाँ पे प्रयास किया था, इसलिए एच वैल्यू एरर आया। अच्छा, यहाँ पे मैंने 5 सेल लिया था, इसमें यहाँ पे 4 सेल, एक सेल को डिलीट कर दिया था, तो ए सेल आपको क्या हो गया यहाँ पे एरर के रूप में दिख रहा है। सपोज दैट कि आप इसे सही करना चाहते हो तो सिंपली आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जो एरर आया है इसके जगह पे कोई भी एक नंबर आप टाइप कर सकते हो ऐसे, और एंटर कर सकते हो, आप देख सकते हो एरर सॉल्व हो गया, ठीक है, एरर हट भी गया, एरो भी हट गई। अब यहाँ पे इस एरर को सॉल्व करने का क्या तरीका है, इस सेल पे क्लिक कर लो आप यहाँ पे, और जो वैल्यू यहाँ पे आपने करेक्टर यानी कि वर्ड में राइट किया है इसको आप नंबर में राइट कर दो। सिंपली मैंने 12 के साथ 23 को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो अभी देखो ये वैल्यू एरर हट जाएगा, क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे कितना है, 35 आंसर आपको मिल गया है, ठीक है। अभी आप इस जो एरो दिख रही है इसको रिमूव करना चाहते हो तो सिंपल है, आप बिल्कुल इसे सेलेक्ट करके रखो, आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव एरो का, यहाँ पे कर दीजिएगा क्लिक, तो आप देखो एरर भी यहाँ से आपका हट चुका है, ठीक है, तो इस तरीके से इसको हटा सकते हो। प्रैक्टिकल की बात करूँ मैं यहाँ पे, अगर इसे आप सही सॉल्व करना चाहते हो और इस एरर को लाना चाहते हो तो इस एरर को लाने के लिए सिंपल है, आप कहीं भी जाओ इक्वल साइन को यूज कर देना और फिर आप सम नाम का फंक्शन यूज कर लो और इन संख्याओं को प्लस के साथ ऐड कर दीजिएगा। क्लिक करूँगा यहाँ पे प्लस, फिर प्लस का साइन, फिर ऐड, फिर प्लस का साइन और ऐड, प्लस का साइन और ऐड, प्लस का साइन और ऐड और प्लस का साइन और यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। बस इसको लास्ट ऑफ प्लस नहीं लगाना है, इसको बंद कर दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा, तो सिंपली जोड़ आप देख सकते हो 174 आपको मिल गया है। अब आपको हैच रेफरेंस एरर जो है लाना है तो सिंपल है, बिल्कुल ही किसी एक सेल को सेलेक्ट कर लो ऐसे और इसे डिलीट कर देना है कॉल आपको, ठीक है, क्या करना है इसे डिलीट, जस्ट डिलीट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखिएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे एरर आपको मिल जाएगा। ये आप देखो जैसे मैंने इसमें डेटा को डिलीट किया हैच रेफरेंस एरर आ चुका है। ओके, हैच वैल्यू एरर लाना है, ठीक है, देखो हैच वैल्यू एरर के लिए सिंपल है, इक्वल टू आप राइट करो और यहाँ पे टाइप कर दो सम, इसके बाद ये पहला नंबर ऐड कर लो और
नंबर सेकंड में आप नंबर ऐड नहीं करोगे, सेकंड में आप कोई भी करेक्टर को ऐड करने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू को ऐड कर लेंगे, इसके बाद ब्रैकेट को लगा के एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हैच वैल्यू एरर आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने दो अलग अलग टाइप के डेटा को यहाँ पे ऐड करने का प्रयास किया था, इसलिए अब एरर आपको यहाँ पे मिल चुका है। ओके, सो आपने देखा किस तरीके से मैंने इसको आप लोगों को बताया। यहाँ पे जो अभी मैंने हैच वैल्यू एरर इस यहाँ पे देख सकते हो, जो हैच वैल्यू एरर आपको यहाँ पे देख सकते हो, जो हैच वैल्यू एरर आया है इसको अगर आप हटाना चाहते हो तो सिंपली कोई भी नंबर टाइप कर दो, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। और यहाँ पे जो डेटा आपने डिलीट किया था इसको कोई डेटा यहाँ पे ऐड करोगे तो आप देखोगे ये नहीं होगा आपका, क्योंकि सिंपली आपने उसमें से डिलीट कर दिया, उस सेल को ही डिलीट कर दिया। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर जाके यहीं पर नंबर कोई भी ऐड कर देंगे, ठीक है, या फिर उसको हटा देंगे तब भी सही हो जाएगा। तो मैं एंटर कर दिया नंबर यहाँ पे डाल के, तो ये भी एरर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग को एरर चेकिंग ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे फार्मूला में, ये समझ में आ चुका होगा कि एरर चेकिंग ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं, एरर ट्रेस क्या होता है और कैसे इसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए। Okay, thanks for watching this video. See you in the next video.